सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप सो गाइस सब बढ़िया ही होंगे मेरी तरह। आज जो है हम लोग दोबारा से लेके आए हैं GTA 5 का एपिसोड, ठीक है। पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा था कि फ्रैंकलिन और माइकल ने जो है वो जो टेनिस कोच था उसका घर पूरा का पूरा तोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है वो मदन मद्रासो क्या नेम था उसका, उसने आकर के जो है वो माइकल को ठोका था और माइकल जो है वो डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद माइकल गया था एक डॉक्टर के पास, जहां पे जो है वो उससे पूछने गया था कि मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों की वजह से परेशान आ गया हूं और घर वालों से भी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ने इसको बोला था कि तू हर महीने हमारे पास आया कर। और हाँ, अब माइकल जो है उससे बदला लेने की इच्छा रखता है। इच्छा क्या रखता है, मतलब भाई बदला लेना है भाई, इसने इसके साथ भाई हाथ उठाया इस पे, मतलब गलत सीन हो गया। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों ही करा, बट हाँ, क्योंकि भाई गलती माइकल की जरा भी नहीं थी, माइकल की गलती जरा भी नहीं थी, क्योंकि भाई माइकल ने अपने बचाव के लिए अपने भाई अब इसकी वाइफ के साथ हो किया था, तो इसने तो भाई करना ही था कुछ ना कुछ। पर चलो कोई चक्कर नहीं है, अब जा करके जो है वो फटाफट आज का प्लान देखते हैं, आज क्या बनता है। आज हम अपनी ये येलो कार लेके जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, फटाफट निकलते हैं इधर से। वेट, तो भाई इसके ऊपर गलत पंगा हो गया था, ठीक है, इसको गलत ठोका गया था। अगर ठोका नहीं भाई, ये कौन सी कार थी भाई, एक बार देख आते हैं भाई। क्या ही रोल्स रॉयस है क्या भाई, क्या खतरनाक लग रही है भाई ये यार, खतरनाक। कोई चक्कर नहीं है, हम भी खरीदेंगे थोड़े टाइम में। वैसे चोरने को तो हम चोर सकते हैं, बट अभी चोर नहीं है ना, खुद खरीदेंगे। अभी हमारी मिनी कूपर सबसे ज्यादा बढ़िया लग रही है वैसे देखा जाए तो। हाँ, सो अभी फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं कहाँ जाया जाए, मतलब बढ़िया सी जगह घूम घाम के आते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला प्लान, है ना। सो ऑलराइट गाइस, ये सामने घर बना हुआ है ना, यहाँ पे जाते हैं अब हम लोग। अब इस घर में देखते हैं कि इसमें क्या क्या सीन होने वाला है। भाई रुक जा यार, कहाँ आ रहा है बीच में भाई। मन करता है इनको ठोक दूं, बट कोई चक्कर नहीं है, पुलिस पीछे पड़ जाएगी ना, उस चक्कर में फिर मैं थोड़ा सा लिहाज रखता हूँ इनका, भाई क्या ही ठोकना है इनको। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पार्किंग एरिया है। ओके भाई, रास्ता खतरनाक है वैसे, ठुकी गई भाई मेरी गाड़ी, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि माइकल बाहर आया और माइकल की गाड़ी ना ठुके, ठीक है। सो ऑलराइट, यहाँ पे चलते हैं इस घर के अंदर, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है। वेट, ये घर भी खतरनाक है और ये वाला भी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीन है शायद से, भाई पीछे हो जाए यार, सॉरी यार भाई, गलत ठुक गया तू मेरे से। यहाँ पे चलते हैं, वेट भाई क्या बोल रही है यार, थोड़ी सी बैक करते हैं फिर अंदर के लिए चलते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं है तो है क्या, ठीक है। भाई हम जो है वो गैराज खरीद सकते थे, मतलब गैराज था जो कि अभी सेल के लिए था और हम लोग खरीद सकते थे इसको, मतलब अपनी गाड़ी वगैरह यहाँ पे हम लोग रिपेयर करवा सकते थे, बट हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम एक गैराज भी बाय कर सके, ठीक है। बट कोई चक्कर नहीं है, अभी नहीं है, बाद में तो होगा। भाई गाड़ियाँ देखो यार, क्या सही सही सी खड़ी है सामने, बट चलो अपनी मिनी कूपर सबसे ज़्यादा बढ़िया है फिलहाल के लिए। फिलहाल हमें और कारों की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। मैं सोच रहा हूँ फ्रैंकलिन के पास चलते हैं ज़रा, उसके पास जा करके अपना देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। चलते इधर से। ओ भाई गलत ठुक गया भाई, मैप देखने के चक्कर में ना। सो भाई मैं सोच रहा था ना कि हम लोग पता है क्या करेंगे, सिर्फ ओनली GTA 5 तो खेल ही रहे हैं, साथ में एक हॉरर गेम्स भी खेलेंगे बढ़िया बढ़िया सी। भाई ये क्या सीन हुआ भाई, पुलिस पीछे पड़ गई है क्या। वेट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ सीन हो गया है। वेट यहाँ पे कुछ सीन है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था कि हम लोग जो है वो सारी की सारी गेम्स खेलेंगे, मतलब जैसे एक दिन GTA 5 का एपिसोड लेके आ गए और जो न्यू ट्रेंड पे गेम चली होगी बढ़िया बढ़िया सी, जो हमें अच्छी लगेगी खेलने के लिए वो खेलेंगे, ठीक है। और जो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी गेम हम खेलें, आप लोग जो बोलोगे हम वो भी खेल लेंगे, ठीक है। सो वैसे GTA 5 बढ़िया है, माइनक्राफ्ट खेलनी होगी तो वो भी खेल लेंगे, वो भी मेरे को ठीक ही लगती है, बट हाँ कार वाली ज़्यादा बढ़िया लगती है। सो यहाँ से अंदर के लिए टर्न होते हैं। वेट, ओ भाई गलत सीन हो गया भाई, मेरी मिनी कूपर का जो है वो पूरा का पूरा कबाड़ा हो गया है, तो मेरे को लग रहा है कि हमें कार चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मिनी कूपर पूरी की पूरी तरह से ठुक गई है और ये हमें मरवा देगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी कोई बढ़िया सी कार नहीं है, ये है, ये कौन सी भाई, लैम्बो है क्या ये। वेट यहाँ पे देख लेते हैं इसका लोगो, नहीं भाई स्कॉडा स्कूडा लग रही है, वैसी जैसी कुछ कार है जो हमारे पास रूम में पड़ी थी, वही कार है भाई ये। भाई ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, अच्छा ओके, यहाँ पे भाई बंदों ने लॉक वगैरह लगाया था, बट माइकल से तो भाई कोई कार कैसे ही छिप सकती है, माइकल तो माइकल है भाई। अब यहाँ से एक कार बड़ी है ना, तो इसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है हम लोगों को, चलो कोई चक्कर नहीं है, तो भी हम लोग निकाल देंगे, कोई सीन नहीं है। यहाँ से ऊपर के लिए, ओ भैंस की, यहाँ पे भाई कुछ सीन है क्या, ओ शिट भाई ये क्या गलत सीन हो रहा है भाई, भाई ये चोर है क्या भाई, गाड़ी भी नहीं चढ़ रही है यार भैंस की भाई। वेट वेट वेट,
चल चल चल, हेल्प करनी पड़ेगी भाई इसकी, भैंस की भाई। रुक जा रुक 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 जा भाई, इसने इसको ठोक दिया है, अब जा करके हमें इसको ठोकना है, ठीक है। वेट, गाड़ी का भाई भरोसा नहीं है मेरे को। अच्छा भाई मर गई है क्या? भाई ये तो मर गई है। वो बंदा कहाँ चला गया? उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा, और मुझे लगता है भाई वो बंदा भी भाग गया है। मतलब हाँ, वो खुद को गैंगस्टर बन रहा था यहाँ का, उसने इसको ठोक दिया, वो भाग गया। भाई हमें दिखेगा कहाँ पे वो भाई? एकदम से गायब भी हो गया, मतलब कि हाँ दिख ही नहीं रहा है कहीं पे भी, किसी भी जगह नहीं दिख रहा है यहाँ पे। भाई उसने इसको गलत ठोक दिया है। हम लोग भाई, हमारी कार की गलती थी, अगर कार थोड़ी सी ज्यादा फास्ट चली गई होती ना, अगर हम उतर गए होते ना, तो हमने भी आराम से ठोक देना था वो, और ठोक करके भाग भी गया भाई। बीच में कहाँ आ रहा है, रुक जा। और भाई ऐसा करते हैं ना, कार वगैरह लेते हैं कोई बढ़िया सी, और फिर फ्रैंकलिन के घर चलते हैं, उसके साथ मीटिंग करते हैं बढ़िया। ये पता नहीं कौन सी कार है, इसको भी चेक कर लेते हैं आज। वेट भाई, एक तो नई नई कार है भाई लॉस एंटोस में, पर बहुत ज़्यादा सही सही सी कार्स है भाई। दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी, बट इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये मतलब स्पोर्ट्स ही कार है, मतलब ये थोड़ी गेड़ियाँ उड़ियाँ मारने के लिए है, स्पीड के लिए नहीं है। अगर हमें फास्ट कार चाहिए ना, तो लैम्बो या पोर्श वगैरह ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उसका मुकाबला नहीं है उनका, ठीक है। और राइट गए, ओ भैंस की भाई, बीच बीच में कहाँ घुस रहे हैं भाई ये। मैं सोचा फ्रैंकलिन के पास चलते हैं पहले, फिर अगला सीन देखते हैं, क्योंकि हमें उस औरत को तो बचा नहीं पाए, बट हाँ कोई चक्कर नहीं है, अगली जगह जा करके करते हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम गन भी लेना चाहते हैं, बट भाई गन भी कैसे लें, पैसे एक भी पैसा नहीं है भाई जेब में, मतलब खाली के खाली सिस्टम पड़ा है सारा का सारा। बस भाई इधर से निकलते हैं पहले तो बढ़िया तरीके से। ओ शिट भाई, ये कौन सी जगह भाई? यहाँ पे कार वॉश वगैरह का सिस्टम है क्या भाई? कार वॉश का है, बट हमें कार धुलवानी नहीं है, क्योंकि हमारी कार भी नहीं है भाई, ये चोरी करके लाई है हमने, फिर धुलवाने का क्या ही फायदा है। बट रिपेयर का होता तो रिपेयर करवा सकते थे, क्योंकि गाड़ी हमसे ठुक गलत जा रही है, ठीक है। यहाँ पे फ्रैंकलिन का घर है, बट भाई कहाँ गली में जाके उसका घर है, मतलब उसको लेना चाहिए भाई, बंगलो लेना चाहिए हमारी तरह, जैसे हमारे पास बंगलो है ना वैसे। बट भाई इसका गली में जैसे घर है, मतलब फ्रैंकलिन थोड़ा सा गरीब है, माइकल थोड़ा सा अमीर है ना। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग फ्रैंकलिन के घर पहुँच गए हैं, ये मे बी फ्रैंकलिन का घर है। और यहाँ पे बंदे कौन बैठे हुए हैं भाई फ्रैंकलिन के घर के साथ में? वेट, इनको ठोक दूं क्या? पता लग जाएगी फ्रैंकलिन का फ्रेंड कौन है, बट भाई उसके पड़ोसी हैं, अगर इनको ठोक देंगे तो गलत सीन हो जाएगा, इनको ठोकना नहीं है हमने। हम फ्रैंकलिन के घर चलते हैं यहाँ पे टू स्टार्ट द मिशन। ओके भाई, अब फ्रैंकलिन के रूप में हमें आना पड़ेगा। वेट, इसको कॉल नहीं करनी है हमें, किसी को भी कॉल नहीं करनी है, कट करते हैं। नहीं, भाई खुल जा, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। ओ शिट भाई, ये गलत सीन हो गया है। जैसे फ्रैंकलिन के घर में हम आए ना, तो बंदे ने देख लिया कि हम लोग फ्रैंकलिन के घर में आ गए हैं। ओ भाई अब ये गलत सीन हो गया, इधर से पहले हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये जो फ्रैंकलिन का एरिया है ना, ये सारा का सारा जो है वो गुंडों का ही एरिया है। मतलब हाँ, यहाँ पे सारे के सारे जो कॉलोनी है ना, ये सिर्फ गुंडों की कॉलोनी है, और हमें इन्होंने ठोक दिया है। मतलब सारा का सारा एरिया बस गुंडों से भरा पड़ा है, जो फ्रैंकलिन कहता है। तो अगर हम एक गोली चलाएंगे ना, तो पीछे से बंदे आके हमें ठोक डालेंगे सारे के सारे, तो इसलिए चलो बचना तो था ही हमें। हॉस्पिटल से आ गए हम लोग मर करके वो भी। अब मैं सोच रहा हूँ फ्रैंकलिन के रूप में आ जाते हैं वापस से हम लोग, और मिशन वगैरह स्टार्ट करते हैं बढ़िया, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, माइकल से चेंज होके हम लोग आ चुके हैं फ्रैंकलिन के अंदर। मतलब हमारे पास ना एक पावर है, जिससे हम फ्रैंकलिन के अंदर आ सकते हैं, माइकल के अंदर। सो भाई जो फ्रैंकलिन है ना, ये काफी ज्यादा मतलब ठरकी सा बंदा है, क्योंकि इसकी शादी भी नहीं हुई है ना अभी, शादी तो हो गई है, बट हाँ तो भी ये ठरकी है। बट जो माइकल है वो थोड़ा सा इनोसेंट है, क्योंकि अभी देखो ये लड़की जा रही थी, तो ये कैसे इसके साथ कैसे बात कर रहा था ना। सो फ्रैंकलिन, यू गॉट अस ऑन द योर शूटिंग, पुट कैन सम टू रेंज इफ यू कैन। ओके सो भाई यहाँ से बाइक उठाते हैं और इधर से चलते हैं द शूटिंग रेंज पे। बट भाई शूटिंग रेंज पे जाके हम करेंगे क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं पहले तो भाई फ्रैंकलिन के ऊपर ये बाइक जरा भी सूट नहीं कर रही है, सूट क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, बहुत ज़्यादा बेकार सी लग रही है। और सामने शायद से लैम्बो है भाई ये, भाई ये कौन सी कार है भाई पीछे? इसको पहले यहाँ पर लगा देता हूँ, अब उतर करके देखते हैं भाई ये कौन सी कार है पीछे। भाई दूर से तो काफ़ी ज़्यादा भाई पोर्शे है भाई, देखा दूर से पहचान में आ जाती है भाई पोर्शे। भाई पोर्शे है क्या? नहीं भाई पोर्शे भी नहीं है, पोर्शे नहीं है, कुछ और है, बट हाँ बट बढ़िया है जो भी है। अब इधर से निकलते हैं फटाफट और देखते हैं अगला सीन क्या बनता है। भाई इसने इसको भी ठोक दिया है लड़की को,
कार हमने चोरी है और ठोक कोई और जा रहा है, ठीक है। सो के यहाँ से अंदर के लिए टर्न होते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अब सामने सामने वाले घरों में चलते हैं, फिर जा करके देखते हैं हमें क्या क्या बढ़िया बढ़िया मिशन मिलते हैं। वैसे फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा ठरकी है भाई, ये लड़की को भी साथ ले जा सकता था। ओ भाई ये पोर्शे थी भाई, हे भी कलर ठुक गई है, सॉरी यार मैं ठोकना तो नहीं चाहता था बट हाँ ठुक गई है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। यहाँ पे कैसे कैसे रोड है यार, आज तो हम लॉस एंड हाउस को भी देख लेते हैं कि कैसा कैसा एरिया है। भाई ये सामने कितनी ज़्यादा खतरनाक जा रही है कार, और मेरे को मन कर रहा है कार जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है भाई। क्या ही सेक्सी कार है यार भैंस की, भाई ये कार तो लेनी बनती है भाई। सो ऑलराइट गाइस, इस कार के बाहर रुकते, भाई लैम्बो है क्या ये, भाई क्या ही खतरनाक कार लग रही है भाई, इसका कलर कितना ज़्यादा सही लग रहा है भाई। भाई कार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है, कुछ भी बोलो बहुत ज़्यादा सही लग रही है, और इसकी स्पीड भी मेरे को पता है कि भाई खतरनाक होने वाली है। सो ऑलराइट गाइस, भाई स्पीड क्या खतरनाक है भाई इस कार की, ओ भैंस की भाई स्पीड देखो भाई इसकी, और लाइट भी क्या ही खतरनाक ब्लिंक मार रही है, ओ भैंस भाई पीछे 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 हो जा पीछे। भाई ये क्या सीन है भाई, ये क्या सीन हुआ अभी यहाँ पे, अच्छा बंदा आ रहा है क्या मेरे को मारने के लिए, चल आ जा, चल तेरी भैंस की। सो ऑलराइट गाइस, अब पुलिस भी पड़ेगी ना पीछे, तो भी कोई चक्कर नहीं है क्योंकि हमारी कार जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड वाली है, ठीक है। पुलिस भी आएगी ना तो भी हम पुलिस से पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो अभी इसकी थोड़ी सी स्पीड दे रहे हैं ना, और क्या उड़ते जा रही है भाई ये कार, मतलब खतरनाक स्पीड है भाई इसकी। सो ऑलराइट, थोड़ा सा बैक होते हैं और पहले जाते हैं अपने मिशन के लिए बढ़िया, उसके बाद आकर के देखते हैं क्या सीन बनता है। ओ भैंस भाई क्या ही गलत सीन है भाई इस कार का, मतलब ड्रिफ्ट भी भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मार रही है ये कार, इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा खतरनाक है ना उतनी ज़्यादा ही खतरनाक इसकी ड्रिफ्ट हुई है, ठीक है। सो ओके, यहाँ से निकलते हैं, पहले तो सामने वाले घरों में जाते हैं जहाँ पे फ्रैंकलिन कह रहा है, फ्रैंकलिन नहीं है पर ओ भैंस की भाई क्या शिट भाई, सीधा सर बजाए। और इस कार में भाई सेफ्टी, कार तो सही है बट इसमें सेफ्टी फीचर जो है ना वो जीरो के जीरो है, बेचारा भाई ठुका दिया इन्होंने, क्योंकि इसमें भाई एयर बैग भी नहीं लगे हैं, कुछ भी नहीं लगा है, इतनी बड़ी कार है पर कुछ भी नहीं है भाई इसमें। देखो भाई हॉस्पिटल के बाहर पहुंचना पड़ा भाई, मतलब गलत ठुक गया भाई माइक फ्रैंकलिन, इसको उठाने के लिए भी पता नहीं कौन लेके आया होगा, ये तो गुंडा है, चोरी की कार तो लेके आया था फिर भी इसको उठा करके यहाँ पे लेके आ गए बंदे, है ना। बट चलो कुछ इंसानियत भी होती है दुनिया में, बट उनको क्या पता कि आने वाली कार उनकी, क्या पता उनकी ना हो गई चोरी करने के लिए। सो भाई चलो छोटी कार ही सही है, बट भाई सेफ्टी तो पूरी होनी चाहिए, सबसे पहले सेफ्टी है उसके बाद स्पीड वगैरह है, क्योंकि अब उसकी आर की तरह भाई सेफ्टी तो कुछ भी नहीं है और स्पीड उसकी फुल है ना। अब सेफ्टी जरा भी बजी हो और उसके बाद मैं उठक करके गिर गया भाई, ये गलत सीन है, ऐसा होना नहीं चाहिए कार में पूरी, भाई ये क्या खतरनाक कार लग रही थी। बट नहीं, अब कारों की तरफ देखना नहीं है कि भाई सेफ्टी इनमें ज़रा भी नहीं है और हम गलत ठुक भी जा रहे हैं, है ना। सो ओके, अब सामने वाले घरों में चलते, भाई क्या खतरनाक खतरनाक कार खड़ी है यार, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, उठा लेंगे हम कार को, उसको आराम से चलाएंगे, सामने कार जा रही है इसको उठा लेते हैं। भाई ये पोर्शे है क्या, हाँ पोर्शे तो है भाई, बट वेट कोई चक्कर नहीं है, हमारे पास जो कार है वो भी काफ़ी ज़्यादा। भाई जी वैगन जा रही थी भाई पीछे, जी वैगन को लेके आते हैं भाई, जी वैगन पे तो भाई दिल है अपना, जी वैगन को लेके आते हैं, वो जो जा रही है ना वो लास्ट वाले नंबर पे, आप लोगों को दिख रही है क्या भाई, ये है जी वैगन, ये जी वैगन ही है ना भाई, भाई जी वैगन ही तो है, बट इसमें कुछ लोगो वगैरह लग दिया है, बट है तो जी वैगन ही है। इसको उठाते हैं भाई पूरी की पूरी, मतलब अलग सी फील लेते हैं यहाँ पे चल, भाई ये क्या सीन है, वो शर्ट भाई पूरी तरह से मारी भाई, इसकी स्पीड भी क्या खतरनाक है यार भाई इसकी, भाई जी वैगन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पे भाई। गाड़ियाँ ही, एक तो गाड़ियाँ ही इतनी ज़्यादा सही सी है ना कि हर किसी पे दिल आ जा रहा है, मन कर रहा है इसको भी उठा लूँ, बट हाँ कोई चक्कर नहीं है, एक से तो जाना ही पड़ेगा, चलानी तो एक ही पड़ेगी, हम तीन चार इकट्ठी तो चला नहीं सकते, है ना। सो ओके, ओ भाई बीच में कहाँ आ रहा है भाई, जी वैगन के बीच में आएगा तो गलत ठुका जाएगा भाई, सॉरी भाई गलती से हो गया भाई, सॉरी तो आपको भी सॉरी भाई, दिल से सॉरी है यार। सो ऑलराइट, अब चलते हैं सामने फ्रैंकलिन के घर चलते हैं, फ्रैंकलिन के नहीं माइकल के घर चलते हैं, फ्रैंकलिन तो हम ही हैं भाई, कैसे भूल जाता हूँ मैं बार बार करेक्टर चेंज करके। ओ शेट भाई, बंदे गलत ठुके जा रहे हैं ना, और पुलिस मेरे को पता है मेरे पीछे आ रही है मेरे को मारने के लिए, भाई मैं जानबूझ के ठोक थोड़ी रहा हूँ यार इनको, ये बीच में जानबूझ करके आ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा शायद से कुछ सीन है, वेट यहाँ पे, ओ शिट फ्रैंकलिन का घर है, फ्रैंकलिन के घर चलते हैं उसके बाद अगला सीन देखते हैं, ठीक है। एक तो इसका भाई घर गली में है, माइकल बेचारा पिछली बार आया था उसने गलत ठोका था तो उसको जो है वो इन्होंने मरवा दिया था, ठीक है भाई। देखो गुंडे गुंडे है सारे, अगर यहाँ पे अगर फ्रैंकलिन अपने घर में बंदों को मारता है तो इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा शायद से, क्योंकि ये तो लोकल है भाई यहाँ का ना, लोकल का भी सीन होता है ना। सो ओके, यहाँ पे बंदा अभी भी बैठा ही हुआ है वो,
सो ऑलराइट गाड़ी को करते हैं पार्क यहाँ पे। और ये जो है फ्रैंकलिन का घर है और ये उसकी कार खड़ी हुई है जो कि उसकी पुरानी वाली कार थी, ठीक है। और अंदर चलते हैं घर के, फिर देखते हैं अगला सीन क्या होता है। सो भाई रात हो गई है और अगले दिन की सुबह भी हो गई है, ठीक है। और ये फ्रैंकलिन की वाइफ है और उसकी वाइफ की फ्रेंड है जो कि जॉगिंग करने जा रहे हैं। ओके भाई, इसने गले में क्या पहन रखा है भाई? मेरे को तो ये पागल ही लगती है। हर कहीं ये कि तो ये योगा करने लग पड़ती है, हर कहीं कुछ करने लग पड़ती है, अभी जॉगिंग करने जा रही है। इसकी ट्रेनर है, ओके, एक्सरसाइज की ट्रेनर है, इसकी जिम ट्रेनर है, ठीक है, जो इसे एक्सरसाइज करवा रही है। और यहाँ पे फ्रैंकलिन अब चुपचाप से घर आ गया है। इसकी पत्नी को लगता है कि फ्रैंकलिन घर में नहीं है, फ्रैंकलिन कहीं गया है। और ये फ्रैंकलिन का फ्रेंड है और ये डॉगी भी जो है वो फ्रैंकलिन का ही एक तरह से देखा जाए तो। पर भाई इसके खाने का पता नहीं है, खाना ले हमें। भाई ये बंदा पहचाना कौन है जो सबसे पहले फ्रैंकलिन के साथ गया था, एक जो फर्स्ट एपिसोड में फ्रैंकलिन के साथ कार चोरी करके गया था, फ्रैंकलिन को अवार्ड मिला था, उसके बाद इस बंदे के साथ फ्रैंकलिन गया था कार चोरी करने के लिए, जो कि हम लोगों ने दो कार उठाई थी, वो वाला बंदा है भाई ये। तो अब चलते हैं फटाफट से, इस बंदे के पीछे पीछे जाना है हमें। अब देखना है यहाँ पे क्या भाई क्या काम के लिए बोलता है, कि क्या काम करना है। बट हाँ, बट ये बंदा वही है भाई जिसने पिछली बार जो है ना वो फ्रैंकलिन के साथ कार चोरी में साथ दिया था, वही बंदा है। पता नहीं जाना कहाँ को है, क्या बोल रहा है भाई ये, मेरे को समझ नहीं आ रही है इसकी। इसको ठोकूं क्या? वेट, सॉरी, इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, इस गाड़ी में जाना है क्या? ओके भाई, डॉगी भी हमने साथ ले जाना है अपने, है ना। पहले डॉगी को बिठाते हैं, बढ़िया। भाई डॉगी की पूंछ कहाँ गई यार, इसकी पूंछ ही नहीं है। चल बैठ जा। तो भाई डॉगी समझदार है यार, बैठ यार आराम से ना। अब हमें फ्रैंकलिन के साथ जाना है और गाड़ी शायद से हम ही ड्राइव करने वाले हैं इस बंदे के साथ में। अब हमें जाना है, कुछ मिशन है शायद से उसको कंप्लीट करने के लिए। एक तो भाई ये बंदा ना, जब भी ये बंदा आता है ना तो भाई अलग ही बसूड़ी लेके आता है। पिछली बार भी इसने हम ठुकवा दिए थे पर बच गए थे हम लोग भाई, क्योंकि हमने बंदे ठोक दिए थे। बट अगर बचे नहीं होते ना तो भाई गलत पाया जाना था। इसकी वजह से सीन हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है, ये खुद तो बच करके निकल जाता है और हमें फंसा डालता है। बट कोई चक्कर नहीं, अगर पैसा मिल रहा है तो निकलते हैं फटाफट से। भाई बीच में कोई मत आना भी, क्योंकि अभी तो हम जा रहे हैं भाई काम से, बीच में आओगे तो ठुकोगे। सो भाई कितना कितना बचा यार, इतना इतना सा गैप बचा भाई अभी ठुकने से, वरना ठुक जाते दोनों के दोनों। थोड़ी सी और ज्यादा स्पीड पकड़ता हूँ भाई। पहुंच क्यों नहीं रहे हैं? वो सामने वाली जगह है, मुझे लगता है एक गाड़ी जा रही है, उसके पीछा हम कर रहे हैं, ठीक है। वो गाड़ी वाले के पीछा कर रहे हैं हम लोग, उसके पास जाना है। वेट वेट, ओ भैंस की भाई, शिट यार, अब इधर से हमें भागना पड़ेगा फटाफट से। और डॉगी भी भाई पीछे ठीक ही है, मेरे को लगा डॉगी कहीं उल्टा ना पड़ गया हो, ठीक है। ओके, गाड़ी भी ठुक गई है क्या? थोड़ी बहुत तो भाई गाड़ी आगे से ठुक गई है, पर कोई चक्कर नहीं है, गराज भी अपना ही है वो एक तरह से, उसको ठीक करवा देंगे, कोई सीन नहीं है। से घर जा रहे हैं हम लोग, पता नहीं किसके घर जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। डॉगी कहाँ गया भाई? पीछे तो बैठा है, डॉगी दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो अगर डॉगी को हम पोर्शे में बिठाएंगे तो कितना ज्यादा सही लगेगा ना, डॉगी भी काफी ज्यादा बढ़िया है ना, हेल्दी सा, तो हाँ तभी। सो ओके, यहाँ पे जाना है हम लोगों को, यहाँ पे देखते हैं क्या सीन होने वाला है। भाई पीछे हो जा, बीच में मत आ। ओके ऑल राइट गाइस, पहुंच गए हम लोग फाइनली अपनी जगह में। और यहाँ पे कुछ सीन हो रहा है, वेट, मास्क वगैरह पहन करके देखते हैं क्या सीन हो रहा है, गलती हो रहा है। ये दोनों आपस में फ्रेंड है ना, ये कुछ बात कर रहे हैं, पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके भाई डुकाती है क्या ये? भाई इनके आपस में लड़ाई हो गई है, खतरनाक लड़ाई बच गई है इनकी। ओ शिट, ओ भैंस की भाई, क्या गलत भाई इसने स्टंट मारा ना। अब भाई हमें इसके पीछे भागना पड़ेगा, ठीक है, पीछे भागना पड़ेगा इसके हमें, और इसको जा करके ठोकना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, फटाफट कार में बैठते हैं और इसके पीछे निकलते हैं, क्योंकि भाई ये बंदा ना बिल्कुल ही चोर है,
और इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। और इस कार की स्पीड जरा भी नहीं है, और जिस बाइक में वो गया है ना भाई वो डुकाटी है, और उसकी स्पीड जो है भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर तो भी वो काफी ज्यादा आराम से चला है ना। उसको लगता है भाई कि हम लोग ने उसको छोड़ दिया, वेट ओ भैंस की, आजा आजा बीच में ही आजा भाई तू। भाई एक तो इसकी भाई वैन की स्पीड इतनी ज्यादा कम है ना भाई, बहुत ज्यादा स्लो स्लो चल रहा है वैन वाला, मतलब खतरनाक ही स्लो चल रहा है भाई ये। और वो बाइक वाला पता नहीं कहाँ भाग गया। ऑल राइट गाइस, सामने दिख गया है वो जा रहा है सामने। चल तेरी भैंस की, वेट वेट भाई, भाई कैसे बचे जा रहा है यार, भैंस की टांग इसकी, ओ भाई भैंस की भाई क्या ही खतरनाक ड्रिफ्ट मारी है भाई इस बंदे ने। वेट वेट, ऑल राइट गाइस, हम लोगों ने ये ठोक भाई, मिशन फेल्ड। ओके भाई ये ठोकना नहीं था हमने, सिर्फ इसका पीछा करना था। ये कहाँ जा रहा है, जहां ये जा रहा था ना, जिस बंदे के पास से जा रहा था मिशन कंप्लीट करने के लिए, हमें इसका पीछा करके उसके पास जाना था, और हमने इसको ठोक दिया भाई, जो कि बहुत ज्यादा गलत हो गया। ठीक है, इसको ठोकना नहीं है, इसका पीछा पीछा करना है, और जहां ये जा रहा है उसके पीछे पीछे जाना है। ठीक है, ठोकना नहीं था भाई ये बंदा। बट भाई फ्रैंकलिन का दिमाग थोड़ा सा गर्म है ना, वो हर कहीं मतलब बंदा अगर उसके साथ कुछ भी करता है ना तो ठोक देता है भाई, क्या कर सकते हैं। बट हाँ ठोकना नहीं था भाई, वो सामने जा रहा है शायद से, वो जा रहा है भाई। ऑल राइट गाइस, वो बंदा ये जा रहा है सामने, इसके पीछे बिल्कुल आराम आराम से जाना है हम लोगों को। ये जाता कहाँ पे है भाई, एक तो एक गाड़ी वाले बीच में आ जा रहे हैं भाई, पता नहीं लग रहा है कैसे कैसे आ जा रहे हैं। बाइक वाले के पीछे रहते हैं पड़े हुए, जहां पे जाता है इसके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, ओ भैंस की भाई, ब्रेक भी नहीं लगी भाई एकदम से। एक तो भाई ये रोड ही चेंज कर दे रहा है ना एकदम से, खतरनाक खतरनाक सी जगह जा रहा है, और बीच में गाड़ियां भी खतरनाक आ जा रही है। के बिल्कुल आराम आराम से चलते हैं, इसको शक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए हम पे कि हम इसके पीछे हैं। ठीक है, बट इसको शक तो खतरनाक हो गया, बट हाँ तो भी इसके पीछे पीछे चले रहते हैं। ओ भैंस की भाई, रॉन्ग साइड से जा रहा है भाई एकदम से, बढ़िया ना भाई, ड्रिफ्ट देखो कितनी ज्यादा खतरनाक मार रहा है। तो भाई बाइक भी छोटी मोटी थोड़ी है, बुगाटी है, और भाई इसने बंदे भी कैसे खतरनाक खतरनाक ठोक रहा है बंदों को ना। चलो कोई चक्कर नहीं है, हम इसके पीछे पीछे ही हैं तो भी। ओ भैंस की भाई, बंदा ठुक गया गलती। भाई निकलते हैं फटाफट से बाहर को, और बाहर जाके देखते हैं क्या सीन है। डॉगीज के पीछे छोड़ना है क्या हमें? भाई वो बंदा भी भाग गया है, अब हम लोगों को इनके पीछे भागना है, और डॉगी भी पीछे पीछे भागेगा। ठीक है, सो ऑलराइट फटाफट से भागते हैं। डॉगी तो हमने भेज दिया अपना, और डॉगी से तो बच के कहां ही जा सकता है भाई ये, डॉगी से बच के तो कहीं नहीं जाएगा ये। भाई बिल्ली के पीछे मत भाग जाइए भाई, अच्छा वो जा रहा है क्या सामने? भाई इधर से निकलते हैं फटाफट से। ओ शिट भाई, वेट वेट, सो ऑलराइट गाइस, फटाफट से इसके पीछे पीछे जाते हैं। वेट, क्या सीन है भाई इसका, मेरे को समझ नहीं आ रही है। चलो चलो चलो, लेट्स गो भाई। डॉगी रह गया यहाँ पे ही, और हम लोग आ गए आगे। अब यहाँ पे गलत सीन है, यहाँ पे बंदे ही बंदे हैं भाई। फटाफट से निकलते हैं, फटाफट से चलते हैं। चलो चलो लेट्स गो, सो ऑलराइट गाइस, फटाफट से निकलते हैं, वरना ये बंदा भाग जाएगा भाई, फिर गलत सीन हो जाएगा। डॉगी तो इसको आराम से पकड़ लेगा, बट हाँ हमारे बस का तो शायद ही है इसको पकड़ करके। भाई पता नहीं सीन क्या है, अभी मेरे को पता नहीं है, बट ये किसी का तो बंदा है जिसको हमें ठोकना है। ठीक है, सो ये ट्रेन के ऊपर चढ़ गया है एकदम से, और हम लोग यहाँ पे रह गए हैं, और डॉगी भी हमारे यहाँ पे रह गया है। यहाँ पे क्या सीन है भाई, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? वेट, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय बाय।